टमाटर अदरक के बाद अब प्याज के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। बुरहानपुर जिले में एक महीने में प्याज के दाम 7 गुना बढ़ गए हैं। जो प्याज एक महीने पहले 10 रुपये किलो बाजार में बिक रही थी, आज वही प्याज 70 रुपये किलो बिक रही है, जिससे अब गरीब की रसोई का बजट बिगड़ता जा रहा है। बाजार में भी प्याज की खरीदी करने के लिए कम लोग ही पहुँच रहे हैं। पहले लोग कट्टे से प्याज खरीदना पसंद करते थे, लेकिन आज किलो से प्याज खरीद रहे हैं। निमाड़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश होने के कारण प्याज की फसल खराब हो गई थी, जिस कारण मार्केट में प्याज कम आ रही है, जिससे प्याज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जब व्यापारी शेख रईस से बात की तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नासिक से प्याज बुरहानपुर बुलाई जा रही है, यहाँ पर वहाँ से प्याज बुलाकर बेच रहे हैं। प्याज विक्रेता अतिकुल्ला से जब लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि प्याज खराब होने के कारण कम आ रही है, जिससे प्याज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। नासिक की प्याज व्यापारी बुलाकर बुरहानपुर में बेच रहे हैं। नई प्याज आने पर ही प्याज के दाम कम होने के आसार दिख रहे हैं। ये 60 रुपए किलो 50 रुपए किलो क्या कारण है? प्याज खराब हो गई थी आपके यहाँ, प्याज खराब हो गई थी, पानी था ना, उसके लिए प्याज नहीं आ रही, नई प्याज निकली नहीं अभी। एक महीने पहले प्याज का क्या रेट था? एक महीने पहले 15 रुपए 10 रुपए 12 रुपए की ऐसी थी। इस महीने ही महंगी हुई, यहाँ 8-10 दिन में महंगी हो गई। आप लोग खरीदा मतलब नहीं, यही से खरीदते लोग, रोज खरीदते रोज बेचते, मतलब कम हो गई है बिक्री। हाँ क्या नाम आपका? मेरा अतिकुल्ला।